हेलो गाइस, वेलकम बैक मानी ब्यूटी पार्लर चैनल। तो गाइस, आज की शुरुआत होती है मेडिकल स्टोर से ही। मैं आज पहुंच गई हूँ सुबह सुबह ही जल्द मेडिकल स्टोर। मेरी शाम को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सुबह उठी तो फीवर था और मेरी वॉल्यूम आपको पता ही चल रहा होगा, मेरे को बहुत ज़्यादा गले में बहुत ज़्यादा पेन है और मेरे तो गाइस उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होता बोलने के। और साथ में हमारे ऊपर जो हमारे ये रहती गुड़िया आना आया, तो ये अब बन रही थी डॉक्टर, बन बन के देख रही थी चेयर पर बैठ के कि मैं है ना डॉक्टर बनूंगी। और ये उठा लिया यहाँ से इन्होंने रबड़ और भैया के साथ कर रही थी छेड़खानी। और इसी के साथ गाइज अब आ जाएंगे हमारे डॉक्टर अंकल, हम बहुत जल्दी आ गए थे इस कारण। तो अब आ गए मैं डॉक्टर अंकल और सुई को देख कर मेरे तो पैर ही कांपने लग गए। ओह माय गॉड। तो गाइज मैं से बोला भी नहीं जाता, बीच में सांस अटक जाता और पेन होने लग जाता है मेरे गले में, इसकी वजह से मेरे को फीवर आते हैं। तो ये गाइज इंजेक्शन जो है मेरे लिए रेडी हो रहे हैं और मैं सामने ही बैठी हूँ, इतना गंदी हालत हो चुकी है गाइज आप सोच भी नहीं सकते। तो गाइज इसी के साथ मेरा जो इंजेक्शन है वो कर दिया रेडी अंकल ने। अब मेरे को उठने के लिए और बेड शीट पर लेटने के लिए बोल दिया गया है। अनाया ये फूल्स लेके आई थी और मेरे को लगा कि और लगेंगे, तो फिर इन्होंने लगा दिए हाथ पे ही। और इस तरह से हाँ अंकल ने मेरी जो हाथ की नस थी वो चेक की और ये वीडियो शूट कर रहा था ये मेरा भाई था। और इस तरह से मेरे को इंजेक्शन रेडी कर लिया अंकल जी ने। और देख लीजिए गाइस उस तरह से मेरे को इंजेक्शन लगाने की तैयारी चल रही है और मेरे को बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट ये बहुत ही सॉफ्ट हाथ से अपने लगाते हैं और हम है ना इन्हीं के पास जाते हैं हमेशा से ही। और जब भी हम बीमार होते हैं तो इन्हीं से हमारी दवाइयाँ लगती हैं। तो गाइस इसी के साथ आ गए हमारे पास क्लाइंट एक मिनट रुक। तो गाइस अब अंकल ने मेरे को ड्रॉप लगा के और शायद छोड़ दी है, इसलिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसके अंदर 2 ड्रॉप्स डलती हैं शायद। और इस तरह से अंकल छोड़ दिया है और हमारी अनाया के बोल रही दीदी डरना मत कुछ नहीं होता, अब जो है हमारा रिजेक्शन है शायद कंप्लीट हो गया है इस तरह से। और मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा रखी है और एक इंजेक्शन एक्स्ट्रा में और लगाया है। और जब ये इंजेक्शन लग रहे थे ना तो मेरा हाथ इतना पेन कर रहा था, पता नहीं इतनी हार्ड जो इसके अंदर लिक्विड था वो बहुत ज़्यादा टाइट था और पेन कर रहा था स्किन के अंदर तक। और ये हमारी अनाया है ना, ये अंकल के साथ इतनी बात लड़ाई है, अंकल ये इतना झूठ बोल रहा है भैया, ये पागल बना रहा है, ये वो कर रहा है, मतलब ना इसने मेरे को बुला दिया कि मेरे को इंजेक्शन लग रहे हैं, इतनी पागल लड़की शरारती और इतना मजाक करती है, इतना मजाक करती है। कभी इसकी वॉइस में ही आपको ब्लॉग्स बना के दिखाऊंगी क्योंकि मैं उस टाइम बोल नहीं सकती थी, तो सारा ब्लॉग्स मैंने वॉइस रिकॉर्ड बाद में की गाइस। और इस तरह से जो मेरा इंजेक्शन है ओह माय गॉड ख़त्म ही हो जाएगा, कंटिन्यू मैं बोल भी नहीं सकती गाइस, ऐसा हाल हो रहा पता नहीं क्यों यार। और इस तरह से ही देख सकते हो ये हमारी अनाया कैसे चप 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 लगी हुई है। और थोड़ी देर में इसको भी हम स्टेम वगैरह दिलाएंगे, इसकी भी जो चेस्ट में पेन होता है थोड़ी इसको खांसी है तो उसके लिए भी इसके लिए हमने इसको स्टेम और इंजेक्शन वगैरह देंगे डॉक्टर अंकल जी, तो वो देंगे। और इसी तरह मेरा जो इंजेक्शन है वो चल ही रहा है गाइस, और मैं कितनी मोटी हो गई हूँ अंकल, एक इंजेक्शन और भी आए क्या? ओ माय गॉड पता नहीं कितने इंजेक्शन लगा दिए यार। ओह माय, ये तो हमारी अनाया थी जो मेरे को पता नहीं चला कि ये मेरे को इंजेक्शन लग रहे हैं इतने ज़्यादा, इतनी बात लगाई डॉक्टर अंकल के साथ, इतनी बात लगाई। और अभी तो हमें शाम को फिर जाना, अंकल ने फिर बुलाया इंजेक्शन लगा के और मेरे को हाथ होल्ड करा दिया
अब मैं अंकल से मेरी जो टैबलेट्स दी है ना उनके बारे में कंफर्म कर रही हूँ। और ये अंकल जी हैं हमारे फैमिली मेम्बर जैसे ही हैं, क्योंकि हम हमारे गांव की पहले हमारे गांव में ही थे, ये सुबह में गांव से ही थे, अब इन्होंने अपने घर पे जज्जर में ही कर लिया है। ये जो इनका मेडिकल स्टोर है नॉर्मल सा छोटा सा, बट इतनी अच्छी टैबलेट्स देते हैं बंदा खुश हो जाता है, बहुत ईजीली समझाते हैं सारी चीज़ें। और अब आ जाती है हमारी अनायक की बारी, और अनायक को लगाएंगे स्टीम अंकल जी। और अनायक ने स्टीम में करते करते बताने क्या क्या किया एक्टिविटी वो सब मैंने रिकॉर्ड की थी, मैं बैठी थी इधर तो मैंने एक रिकॉर्ड की और आपको दिखाऊंगी हमें नेक्स्ट आएगी। और शायद इंजेक्शन भी लगना है, इंजेक्शन भी लगाएंगे। अब देखो हमारे अनायक की स्टीम जो है वो चालू हो गई है, और शाम को शायद मेरे को भी स्टीम देनी पड़ेगी, मेरी भी चेस्ट में पेन है। और अब इसकी एक्टिविटी देखना आप क्या क्या कर रही थी। बस आराम से ले ली स्टीम तो सारी चीज़, बात बहुत करती है अंकल जी, बोलो बात बात लगा। ये इसको इंजेक्शन लगा रही है गाइस, और इंजेक्शन लगाने के बाद हमें इसको ले जाना पड़ा पार्क में, क्योंकि रोने लगी थी और चुप हमने इसीलिए की कि मैं आना है तेरे को वहाँ लेके जाएंगे। फिर मैंने दवाई वगैरह सारी मेरी ये थी और पहुँच गए हम पार्क में। ये सामने ही बिल्कुल पार्क था, इसको हमने बताया कि आपको पार्क लेके जाएंगे तो अभी खुश हुई, उसके बाद खड़ी हो गई। फिर हमने बोला हम जा रहे हैं, फिर आई नीचे कैसे जाते हैं हम। फिर ये दोनों बंदर चले और बोले मैं भी झूलूँगा मैं भी झूलूँगा। मैं कहा भाई तुम झूलो, अब बोले भैया मेरे को तो झूलाओ। आप भैया ऐसे भैया खुद झूल रहे हैं। और इसी तरह गाइस देखो अब ये बोली मैं और एक्टिविटी करूँगी, मैं हम जा रहे हैं। अब हम इसे पूछ रही हूँ, मैं पूछी जी कैसा लगा आपको झूल के, बोले बहुत अच्छा लगा, कूद कूद के बताएगी देखो। बहुत शरारती बच्ची है बहुत। और गाइस अब हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ, और ये देखो हमने इसको बिठाया बाइक पे, और मैं देखो मेरे क्या हालत। और ये हमारा बाजार सैर लगी हो बहुत भरपूर भरपूर हमारी थी दीपावली मेरे की, तो मैं तो इसे वैसे भी मारा। और पार्लर भी आ गए यहीं पर देखा होगा, और भीड़ देखो आप। ये है भाई जज्जर का हाल दीपावली के अवसर पर देख सकते हो। उसके बाद हम पहुंच गए घर पे, और घर पे आके मैंने केक ये देखो सो रही थी, फिर मैंने खाया दलिया। और अभी मम्मी निकाली मेरे लिए पानी, और पानी निकालने के बाद मैं नहाऊंगी। और नहाने के बाद ये आ गई थी मेरे पास, और इसके बाद नहा के आऊँगी मैं। और ये देखो पागल लड़की मिट्टी से क्या कर रही है क्या था नहीं। और ये मेरी सारी टैबलेट जो मैंने अभी लेनी है गाइस, और ये माउथ फ्रेशर है। और इसी के साथ फिर मम्मी भी आज मम्मी ने अपना काम करा, और उसके बाद मम्मी अपने खा रही थी एप्पल्स, और वो पता नहीं क्या लड़ाई लड़ाई कर रहे हैं अपने अपनी। और गाइस फिर मेरे को पार्लर भी आना पड़ा शाम के टाइम पर, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स थे जो मेरे से काम कराते, तो फिर मैंने आना पड़ा गाइस। और इसी के साथ करते ब्लॉग का एंड, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप मेरे जब तक मैं ठीक हो जाऊंगी गाइस, और अच्छे से अच्छा वीडियो बना के